हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ हम सुबह पहुँच चुके थे 7 बजे गुड़गांव। तो घर से हम निकले थे 4:30 बजे। तो यहाँ पे आना हुआ था इसलिए क्योंकि मेरे बेटे का सामान रखा था पीजी में और वो बेवजह ही किराया लग रहा था 2 महीने से, क्योंकि वो होली से कुछ दिन पहले ही घर आ चुका था। तो फिर ये बाद में लॉकडाउन के चलते पीजी बंद हो गई, कॉलेज वगैरह सब बंद हो गए, तो वो घर पे रुका हुआ था। तो यहाँ पीजी वालों का फ़ोन आना शुरू हो चुका था तो इसलिए हम सामान लेने पहुँच गए थे। तो अंदर से पीजी थी बंद क्योंकि 7 ही बजे थे और जो अंदर थे वो अभी सो ही रहे थे, और बाहर जो डोरबेल लगी थी वो थी ख़राब, तो बहुत सारी आवाज़ दे दे उनको जगाया और फिर हम अंदर एंटर कर गए थे और अपना सामान पैक किया। मैंने सामान पैक कर करके रख दिया, तो ये मेरे बेटे ने गाड़ी के अंदर रख दिया और एक मोटरसाइकिल थी इसी के पास थी वो भी गाड़ी में चढ़ाई। तो 7 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ आने से पहले हम गए थे, मेरी भांजी थी जो हमारे साथ आई थी झज्जर से, हमने उसको साथ लिया था, तो वो भी लॉकडाउन के चलते ही वहाँ पे रुकी हुई थी अपने मायके में। तो आज हम आ रहे थे तो वो भी हमारे साथ आ गई, तो पहले उसको उनके घर छोड़ा और उसको साथ लाने का भी हमें बेनिफिट मिला क्योंकि हम रास्ते में झज्जर से निकलने के बाद पुलिस वालों के हर जगह नाके थे तो उन्होंने रोका हमें, लेकिन उसके हस्बैंड SI थे तो ये बहुत बड़ा हमें फ़ायदा हुआ उसका, क्योंकि स्टाफ था और एक किस्म से हमारे पास वो परमिट ही था, तो जहाँ भी रुकवाते हम बोल देते थे कि बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं और ये SI के बच्चे हैं। तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी एड्रेस पूछते कहाँ छोड़ के आओगे क्या नाम है, तो हमने आसानी से सफ़र तय कर लिया अपना। और वहाँ से मैं कुछ लेके आई थी वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और हम निकल लिए थे 7:30 बजे सामान सारा रख के वापस, और ये रास्ते में मैं आप ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि अब भी यहाँ पे लॉकडाउन का फुल पालन है, क्योंकि गुड़गांव रेड जोन में है ये इलाका वाला सारा, तो कोई इक्का दुक्का ही कोई वाहन चल रहा था वो भी पर्सनल वाले ही चला रहे थे, बाकी कोई बस वगैरह टेम्पो वगैरह कुछ नहीं था और न कोई दुकानें खुली, कोई एक आधा दुकान बस कोई मेडिकल स्टोर थे या कोई डेयरी वगैरह थी वही, बाकी सब रोड सुनसान। वरना ये रोड तो ऐसा है कि यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है, तो इसीलिए तो बहुत जल्दी हम वापस भी आ चुके थे, वरना 4:30 बजे जाते हैं तो 8 तो बज ही जाते हैं पहुंचने में, लेकिन 7:30 बजे हम वहाँ से वापस हो लिए थे 4:30 बजे जाने के बाद, और कुछ टाइम मेरी भांजी के वहाँ भी लगा था हमें। तो ये दूर से ऐसा ही था, और रास्ते में हमने एक जगह रुकने की सोची थी लेकिन वहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दिया, ये था सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था तो उसने मना कर दिया। एक बार देखना चाहते थे हम अंदर जाके क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत था, लेकिन उसने मना कर दिया कि सर कुछ तो संडे है आज और वैसे भी अभी यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ये वही वजह एक ही है लॉकडाउन के चलते। और बस गुड़गांव हमने क्रॉस कर ही लिया था तब एक दो जगह हमें रुकवाया था पुलिस वालों ने और बहुत ही अच्छे से पेश आए, और हमने बता दिया था कि भाई सामान ऐसे ऐसे सामान था बच्चे का वो लेके आ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम आसानी से पहुंच चुके थे। और ये देखिए ये कुंडली मानेसर का जो वो पुल आता है वो, यहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और यहीं पे साइड में ही फूल पौधे, और फूल पौधे देखने के बाद तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती, लेकिन यहाँ से कोई लेने भी तो नहीं देता ना, फिर भी ये देख लेती हूँ अच्छा लगता है मेरे को इसलिए मैंने ये क्लिप बना ली।
पहुंच चुके हैं हम झज्जर। तो ये झज्जर का रोड देखो, यहाँ भी बिल्कुल वही सुनसान। और झज्जर तो गुड़गांव से भी ज़्यादा ही सुनसान था, क्योंकि यहाँ पे तो अब चार एक हफ्ते के अंदर ही बहुत ज़्यादा केस मिले हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो उसके चलते ये बिल्कुल सील है, ये देखिए कोई भी दुकान खुली नहीं है कोई भी। गुड़गांव में तो फिर भी एक दो खुली थी कोई कोई, और कुछ गाड़ियाँ भी पर्सनल वाले तो चला ही रहे थे, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं थी। झज्जर के अंदर एंटर करने के बाद ये हम बाहर आ चुके थे बाईपास के ऊपर, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है मेडिकेयर, सिर्फ वो एक हॉस्पिटल खुला दिखा हमें, बाकी कुछ नहीं। बीमारी है ही ऐसी, डरते तो हर कोई है ही, और लोग बड़े अच्छे से पालन भी कर रहे हैं। और ये एक पुल है झज्जर से खेड़ी खातीवास के बीच, जो अभी अभी चालू हुआ है, 2 साल से लगभग इस पर काम चल रहा था, तब ये फाइनल पूरा हो चुका है। मौसम एकदम ख़राब, बिल्कुल बहुत ज़ोर से आंधी बारिश की तरह अंधेरा सा होना शुरू हो चुका है अब यहाँ पे। और समय हो चुका है 10:30 का, और ये स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, संस्कारम खेड़ी खातीवास के करीब है ये, बिल्कुल निकल के और जागढ़ के बीच में। और अब हम आ चुके हैं दादरी, दादरी आके ये देखिए कुछ ना कुछ, कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी कोई वगैरह वगैरह यहाँ पे चल ही रहे हैं। तो यहाँ पे कम पालन लग रहा है लॉकडाउन का, और वहाँ पे ज़्यादा था। अब हम पहुँच चुके हैं घर, और ये पौधा जो मैं वहाँ से अपनी भांजी के घर से लेके आई थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पौधे लगा रखे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्वार्टर मिला हुआ है, तो अध से ज़्यादा पौधे थे, तो उसको पता है कि मामी पौधों से कितना लगाव रखती है, तो उसने कहा कि मामी रख ले जाओ गाड़ी आपके पास अब। तो ये 3-4 पौधे गमले लेके आई थी मैं, 2 बड़े वाले और 2 ये छोटे वाले। और ये सामान सेट करने के बाद, सामान उतारने के बाद हमने खाना खाया, खाना बना के रख रखा था, माँ ने बना लिया था। और फिर बहुत ज़ोर से आ रही थी आंधी, तो 2-2.5 घंटे तक किया रेस्ट। फिर वो मिट्टी इतनी आ चुकी थी, वो निकालने के बाद ये हरी मिर्ची रखी थी मेरे पास, इनका मैं अचार डालने लग गई थी। तो इसके लिए मैंने ये छोटी जो बारीक वाली सरसों आती है वो 1 बड़ा चम्मच और 1/2 बड़ा चम्मच लिया मैंने यहाँ पे मेथी का, और इतनी ही सौंफ। तो इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया मिक्सी में, फिर इसी सेम कढ़ाई में मिर्चों को 2-2 भागों में काट के और इनको मोटा मोटा सा पीस लूँगी। वैसे तो इनको अगर चीरा लगा के भी भर के भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत भी तीखी हो तो बच्चे छोड़ देते हैं पूरी की पूरी, फिर वो वैसे ही वेस्ट जाती है। तो इस तरह से अगर काट के या थोड़ी सी कुंडी में कूट के या मिक्सी में थोड़ी सी चला के बनाओ, तो ये फिर जितनी इच्छा उतनी चम्मच से डालो तो ये बेकार नहीं जाती, अंदाज की हो जाती है। और तो कढ़ाई में यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया, और इसके अंदर डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। और लाल मिर्च इसलिए डाली थी क्योंकि इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा, और ये हरी मिर्ची है जो ये तीखी नहीं है, हल्की हल्की सी है बस। और ये तेल खूब अच्छे से गर्म हो चुका था, तो उसको मैंने नीचे रख दिया उतार के, और अब इसके अंदर मैं ये डाल दिया सारा मसाला। और ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये मिला दूँगी जो मिर्ची मैंने कोट ये मिक्सी में चला के रखी थी ये, और इसको अच्छे से कोट करके, और इसके अंदर 1 या 1.5 नींबू का मैं इसके अंदर रस डाल दूँगी। और फिर इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको रख दूँगी फ्रिज में, तो इससे इसमें फंगस नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा ये। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।
और मैं कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।